मानते हैं विपक्ष के दौर में, अब केंद्र में अगर हम बात करें, पूरी सरकार ताकत झोंक दी थी कि एक सवाल क्या पूछ लिया राहुल जी ने तो उसे सदस्यता समाप्त करने के लिए पूरे गुजरात के जितने मामले हैं वहाँ से लेकर बंगला खाली कराने, सदस्यता समाप्त करने, आखिर एक व्यक्ति इसी तरह डर क्यों है? पूरे केंद्र की सरकार डरी हुई है। देखिए, भर्तियाँ तो शुरू हो गई थी लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन है उसमें थोड़ा से विसंगति आ रही थी, तो जो भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वही व्यवस्था एडमिशन में भी होना चाहिए, तो उस मामले में फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो वैसे कोई शंका नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार या फिर लोकसभा सचिवालय जिस तेज़ी से उसकी सदस्यता समाप्त करने और बंगला खाली कराने में तेज़ी दिखलाई थी तो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी के कांटे की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों की धड़कन भी तेज़ हो रहा था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया। राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई है, ये प्रजातंत्र की जीत है, सत्य की जीत है। राहुल जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि वो मंच जो देश का सबसे बड़ा मंच है उससे वो सवाल कर सकेंगे, वो अपनी बात कर सकेंगे और जो देश की जनता सुनना चाहती है। सर, कितनी बड़ी जीत मानी है? ट्रेन जो लगातार रद्द हो रही है, अच्छी गाड़ी थी तो लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन के हरी झंडे दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही है और समय पे नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी तरफ कोई दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री जाते हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, तो आज आवश्यकता छत्तीसगढ़ के विरल बसाहट को देखते हुए ये ट्रेन की जितनी भी सुविधाएं हैं, हालांकि पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकती, लेकिन जितनी भी सुविधा है वो सही समय संचालित तो हो, स्टेशन में रुके तो, यात्री अपने गंतव्य तक पहुँचे तो, और इसके लिए ज़रूरी है कि समय का पाबंद होना चाहिए और सही समय में ट्रेन छूटे और गंतव्य तक पहुँचे, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए मैंने ये पत्र लिखा।